पानी में अगर मक्खी गिरी तो उसको भी डुबा के पूरा निकालना या पानी फेंक देना चाहिए। देखिए ये हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसके रावी गालिबन जो हैं हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हे। फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हे फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा वक़अ ज़ुबाब फ़ी शराबी अहदिकुम फ़लियग़मिसहु सुम्मा लियन्ज़िहु फ़इन्ना फ़ी इहदा जनाहैही दाअ वल उख़रा शिफ़ाअ। कि अगर मक्खी तुम में से किसी के पीने की चीज़ में गिर गई, वो खाली पानी नहीं है ना, खाली चाय, कोई भी पीने की चीज़, चाय भी, पानी भी, कोई जूस वगैरह भी, अगर मक्खी गिर गई तो उसे निकाल के फिर डुबाइए, फिर उसको फेंकिए, क्योंकि फरमा रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके दो परों में से एक में बीमारी है और दूसरे में शिफा है। तो ऐसा एक मशवरा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लिहाजा उलमा ने लिखा है, अगर किसी की तबीयत गवारा नहीं कर रही दोबारा उसको डुबा के पीने की, तो फेंक दे, कोई गुनाह नहीं होगा।